नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आज है 17 अप्रैल 2021। दोस्तों आज का वीडियो मैंने खासकर टीनएजर्स के लिए बनाया है और ये टीनएजर्स के लिए क्यों बनाया है ये आपको वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा वीडियो आप प्लीज पूरा देखिए। दोस्तों इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूँ, आपको एक छोटी सी कहानी या यूं कह लीजिए कि एक वाक्य बता रहा हूँ। रेलवे स्टेशन में एक ट्रेन पकड़ने के लिए एक फैमिली आकर प्लेटफार्म पर आती है। वो सर्च करती है कि उसका कोच किधर है और अपने डब्बे नंबर को देखकर वो उस जगह पर बैठ जाती है। उसके फैमिली वाले भी आराम से बैठकर ट्रेन का वेट करते हैं। दोस्तों कुछ ही देर बाद ट्रेन का अनाउंसमेंट होता है कि ये नंबर की ट्रेन इस प्लेटफार्म नंबर पर आ रही है। जो फैमिली पहले से आकर बैठी रहती है वो बेफिकर होकर ट्रेन का इंतजार करती है। लेकिन उसी वक्त अचानक बाहर स्टेशन के बाहर एक टैक्सी आकर रुकती है। उस टैक्सी में से एक फैमिली उतरती है। उसका मुखिया झल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी करो भाई, ट्रेन आने वाली है। टैक्सी वाले को पैसा देता है। टैक्सी वाला बोलता है, अरे साहब मेरे पास चिल्लर नहीं है। तो बोलते हैं, अरे यार चिल्लर रख लो आप। और वो किसी तरह से अपने सामान को उठाकर भागते दौड़ते प्लेटफार्म पर पहुंचता है। प्लेटफार्म पर तब तक ट्रेन आ चुकी होती है। जो फैमिली पहले से ट्रेन का वेट कर रही होती है वो बड़े ही आराम से अपने कोच पर एंटर कर अपनी सीट पर बैठ जाती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो फैमिली अभी अभी प्लेटफार्म पर एंटर हुई है वो भागते दौड़ते सबसे पहले अपने कोच को ढूंढती है और कोच को ढूंढने के बाद किसी तरह मशक्कत करके अपना सामान और अपनी फैमिली को अंदर करके वो मुखिया ट्रेन पर बैठता है। इत्तेफाक से वो दोनों फैमिली आमने सामने सीट पर बैठे होते हैं। दोस्तों जो फैमिली पहले से आकर बैठी होती है वो तो आराम से अपने सामान को एडजस्ट करके अपनी सीट पर आराम से बैठ जाती है। लेकिन जो फैमिली तुरंत आई हुई होती है वो फैमिली परेशान और उसका मुखिया भी परेशान रहता है। वो अपनी सीट को ढूंढते हैं, अपने सामान को एडजस्ट करते हैं और उनका मुखिया झल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे देर हो गई। दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो ये है कि यदि आप किसी चीज के लिए पहले से तैयार होंगे तो आपको उसको पाने में और उसका एंजॉय करने में आसानी होगी। लेकिन यदि आप किसी चीज के लिए तैयार नहीं रहेंगे तो आप भागम दौड़ में फंस जाएंगे, आप हड़बड़ा जाएंगे, आप किसी तरह से विचलित हो सकते हैं। दोस्तों आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है। हाइपरटेंशन डे यानी कि उच्च रक्तचाप दिवस। और आपका रक्तचाप तब बढ़ता है जब आपको टेंशन होती है, किसी चीज की तनाव होती है और किसी चीज के लिए आप चिंताग्रस्त हो जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने बनाया है टीनएजर्स के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी पढ़ाई करके या आप पढ़ाई कर रहे हैं और आगे के कैरियर को बनाना चाहते हैं। प्लीज दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, ये आपके बहुत काम आ सकती है। दोस्तों आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है, आप किस काम के लिए बने हैं या आप किस काम के लायक हैं, आप कौन सा काम सबसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं और कौन से काम आपको खुशी प्रदान करते हैं, कौन सा काम आपका एम्बिशन है, कौन सा काम आपका पैशन है, आप उसको सबसे पहले पहचानिए और पहचानने के बाद अपने सपनों को आकार दीजिए। दोस्तों मुझे याद है आज से 20-22 साल पहले जब मेरे पिताजी थे तब वो कहते थे कि बेटा 21वीं सदी आने वाली है, 21वीं सदी हाई टेक्नोलॉजी वाली, 21वीं सदी सबसे बेहतर अवसर वाली। मैं सोचता था कि 21वीं सदी कैसी होगी, कैसी दिखती होगी, क्या करती होगी, क्या बातें करती होगी। लेकिन दोस्तों आज 21वीं सदी हम देख रहे हैं और 21वीं सदी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ चीजें तेजी से बदल रही हैं। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन जितने देर में मेरा ये वीडियो तैयार होगा उतने देर में दुनिया में बहुत सारी चीजें हो चुकी होंगी और कई आविष्कार भी हो चुके होंगे। तो दोस्तों जब इतनी तेजी से दुनिया बदल रही है तो कंपटीशन भी बहुत तेज हो गया है। आपको हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ता है और हर काम को आपको सफलतापूर्वक पूर्ण करना पड़ता है। यहाँ पर सिर्फ एक सफलता से काम नहीं चलता, अगर आप सफल हो गए तो आपको फिर लगातार और हर वक्त सफल बने रहना पड़ता है।
दोस्तों जिंदगी में सब कुछ अचानक होता है, वो चाहे आपके साथ अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन जिंदगी में सब कुछ अचानक हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। आप अपने दोस्त के साथ एक काफी बार में बैठे होते हैं, काफी पी रहे होते हैं, तभी उसी वक्त उसका दोस्त आता है और आपका दोस्त उस नए दोस्त से आपको मुलाकात करवाता है। बातें होती हैं और बातों ही बातों में कोई एक ऐसा अवसर आपके हाथ लग जाता है कि जिसको कभी आपने सोचा भी नहीं रहता। ये एक सुखद संयोग है, ये एक सुखद मोड़ है कि जब आपको बातों ही बातों में कोई बहुत बड़ी सफलता मिल जाती है या कोई बहुत अच्छा अवसर मिल जाता है। लेकिन ऐसा भी होता है दोस्तों कि आपके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, आप रेगुलर अपने काम में व्यस्त रहते हैं और अचानक आपके साथ कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है, आपको किसी चीज की तकलीफ आ जाती है और आपका रूटीन बिगड़ जाता है। आपकी वो तकलीफ आपके रूटीन को प्रभावित करती है, आपके काम को प्रभावित करती है और आपके देखे हुए सपने को भी प्रभावित करती है। दोस्तों मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जिंदगी में चीजें अचानक से होती हैं। मैं आपको निराश नहीं कर रहा हूँ और ना ही आपको डरा रहा हूँ, बल्कि जिंदगी के वास्तविक तथ्यों से अवगत करा रहा हूँ। मैं टीनेजर से कहना चाहता हूँ कि अपने सपने को देखें, अपनी जिंदगी की प्रायोरिटीज को तय करें और वास्तविकता में वो क्या पा सकते हैं या क्या पाना चाहते हैं, इन चीजों को बहुत जल्दी तय कर लें और उसके लिए प्रयास भी तेजी से शुरू कर दें। दोस्तों जब आप यंग होते हैं, बच्चे होते हैं, तब आपके पास एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है आपकी फैमिली का, आपके पेरेंट्स का। अगर आप बाई चांस असफल भी होते हैं तो आपके पेरेंट्स उस चीज को संभाल सकते हैं। आज अगर आपने कोई सपना देखा है या अगर कोई कैरियर चुना है तो उस कैरियर में आगे बढ़ने की आपकी बहुत सारी संभावनाएं होती है, क्योंकि आपके पास समय होता है, आपके पास जोश होता है, आपके पास उम्र होती है। ईश्वर ना करे अगर आप अपने प्रयास में असफल हो भी जाते हैं तो आपको आने वाले दिनों में उन गलतियों को सुधारने के लिए और उन प्रयासों को फिर से पूरा करने के लिए अवसर मिल जाता है। लेकिन दोस्तों यदि आप सपने आज देखें और उसका शुरुआत आप 5 साल बाद करें तो उस वक्त आपको अपनी गलतियां सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों जब आप टीनेजर्स होते हैं, जब आपके पेरेंट्स आपके साथ होते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी चीज में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उस वक्त आपके साथ सबसे अच्छी सहूलियत ये होती है कि आपके ऊपर आपके परिवार की जिम्मेदारी नहीं होती, आप अपने सपनों को खुलकर जी सकते हैं, अपने सपनों के लिए खुलकर प्रयास कर सकते हैं और अगर एक्सपेरिमेंट करते समय किसी चीज की गलती हो जाती है तो उसको सुधारने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होता है। दोस्तों जब चीजें आपके अनुकूल नहीं होती और परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती तो आपके अंदर निराशा और डर घर करने लगता है और ये डर आपके अंदर धीरे धीरे चिंता बनने लगता है। ये चिंता ही अवसाद और डिप्रेशन का कारण होती है। इसी से हाइपरटेंशन होता है, इसी से उच्च रक्तचाप होता है, जो कि कहने में तो बहुत मामूली होता है लेकिन ये आपके शरीर के बाकी अंगों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। दोस्तों मैंने जो कहानी आपको शुरू में सुनाई वो इसलिए थी कि यदि आप किसी चीज के लिए पहले से तैयार होंगे तो आप उस सफलता को एंजॉय करेंगे, उसका आनंद उठाएंगे और आपके पास पर्याप्त समय होगा उन चीजों को व्यवस्थित करने का। लेकिन अगर आप किसी चीज के लिए तैयार नहीं होंगे तो सेकंड फैमिली की तरह आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी, जिंदगी में हायतबा मच जाएगी और आपके सपने भी अधूरे रह जाएंगे। तो दोस्तों आपको जो करना है तुरंत कीजिए, सही फैसले लीजिए और सोच समझ कर लीजिए, लेकिन एक बार ले लीजिए तो उसके बाद पीछे मत हटिए। आपको सफलता जरूर मिलेगी और इस सफलता का आप आनंद भी उठा सकेंगे। दोस्तों अलग अलग टीनेजर्स के लिए, अलग अलग लोगों के लिए किस तरह के काम बेहतर हो सकते हैं, मैं इसमें एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें आप अपना करियर बनाने की सोच सकते हैं। मैं अपने इस चैनल में, अपने ही ब्लॉग में आपको रेगुलर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स बताऊंगा जिसमें आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों मेरा एम आपको मोटिवेट करना तो है ही और सही रास्ता दिखाना भी है। अगर मेरी वजह से आपका कोई काम बनता हो या आपके सपने पूरे होते हो तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल मैं फिर मिलूंगा एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ आपको आगे बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।